नमस्कार, सुरेंद्र सोनी मिर्जा हिंदुस्तानी के साथ हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। रास्तलाव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नगर परिषद सभापति को दिया ज्ञापन। रास्तलाव बचाओ संघर्ष समिति ने शहर के मध्य स्थित रास्तलाव के सौंदर्यकरण, रखरखाव, गार्डन, किड्स गार्डन, ओपन जिम और बदबूदार पानी की निकासी के लिए रास्तलाव बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि रास्तलाव बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री और प्रशासन के आला अधिकारियों को संघर्ष समिति के माध्यम से यह ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है कि शहर के मध्य स्थित रास्तलाव की कायाकल्प को परिवर्तित किया जाए, क्योंकि यह रास्तलाव सभी समुदाय को एक साथ मोतियों की माला की तरह पिरोने का काम कर रहा है। सभी धर्म समुदाय की आस्था इस तालाब से जुड़ी हुई है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए रास्तलाव बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष शाहनवाज खान, हाजी हयात गुल खान, जमालुद्दीन गोरी, सामाजिक कार्यकर्ता सलीम मोहम्मद, भारतीय ट्राइबल पार्टी के शकील खान, शाहिद खान एवं अन्य समाजजनों ने ज्ञापन सौंपा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वर्तमान में रास्तलाव बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पूर्व में दो ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दे चुके हैं। हमारी इस कड़ी के अंदर आयुक्त और नगर परिषद सभापति साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि रास्तलाव का सौंदर्य कर लो। उसके साथ में, क्योंकि रास्तलाव एक ऐसी जगह है जो एक सद्भावना की मिसाल है, रास्तलाव के अंदर राम रेवाड़ी का एक पर्व होता है बांसवाड़ा के अंदर हिंदू समाज का। पूरे शहर के हर मंदिर के भगवान शहर के अंदर गश्त करते हैं और उसके बाद में रास्तलाव में जल अभिषेक होता है। उसी के साथ में मुस्लिम समाज का ताजों का वहाँ पर विसर्जन होता है। उसके अलावा भी छोटी मोटी जो रहती है गणेश की प्रतिमाएँ वगैरह, वो भी वहाँ विसर्जन होती है। तो ऐसे तालाब जिसके अंदर बड़े बड़े पूजनीय और पवित्र चीज़ें होती है, वहाँ पर गंदा पानी के साथ में होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और ये सभी समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा तालाब है जिसकी वजह से हमारे इतने पवित्र चीज़ें होती है और वो गंदा पानी है। तो हमने सभापति और जिला कलेक्टर महोदय से मांग की है कि उसकी साफ़ सफाई हो, उसका पानी साफ़ सुथरा हो और जो गंदा पानी की जो निकासी है उसको थोड़ा चेंज करके और अलग से एक निकासी बनाई जाए ताकि पानी, गंदा पानी निकल जाए। आज हमने बजट 2021 और 22 के लिए माननीय अशोक गहलोत जी ने ओपन जिम की एक घोषणा की है, जिसमें नगर परिषद क्षेत्र में 3 जिमें ओपन की घोषणा हुई है। तो हमारी मांग है कि रास्तलाव क्षेत्र में भी ओपन जिम खोली जाए ताकि वहाँ के जो 5,000 की जो पब्लिक है, वहाँ पर जनता है, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद। ये कोई बहुत बड़ा मेरे सामने नहीं है चैलेंज, क्योंकि ये तो पहले ही हम लोगों ने हमारे चेयरमैन बनने पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में गायला रास्तलाव, नातेलाव और काटदी चारों सौंदर्यकरण हमने ले रखा है। नातेलाव का सिंटेक्स को दे दिया, वो चल रहा है। गायला का बहुत जल्दी चालू कर रहे हो। रास्तलाव का जो है उसका प्रोजेक्ट बन गया, अल्पकेंद्रीय विभाग में 2.5 करोड़ का चला गया है। क्या देख दो महीने में उसकी स्वीकृति आएगी, स्वीकृति आते ही काम चालू करके और रास्तलाव को बहुत सुंदर हम बनाएंगे। और आसपास जो भी उसका पानी आ रहा है सीवरेज का रास्तलाव के अंदर, तो नाला बना के